छत्तीसगढ़ में निर्माण ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे लें? सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो छत्तीसगढ़ के उन भाई बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनके मैसेज मेरे पास पिछले कई दिनों से आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं एवं किस विभाग में ठेकेदारी करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होने के बाद यह प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य के ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन हेतु 27 जनवरी 2014 से एकीकृत पंजीयन प्रणाली ई पंजीयन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है, जिससे आप अपने घर बैठे केवल लोक निर्माण विभाग में अपना निर्माण ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवा कर छत्तीसगढ़ के किसी भी विभाग में ठेकेदारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग विभागों में रजिस्ट्रेशन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपना ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए आपको कितनी फीस जमा करनी होगी, क्या अनुभव होना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग की साइट पर और देखते हैं यहाँ क्या दिया है। www.cg.nic.in इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ लॉगिन कॉर्नर पर आकर ई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ ई रजिस्ट्रेशन के संबंध में सारी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों की चार श्रेणियाँ बनाई गई हैं, अ, ब, स एवं द। अब यहाँ हम पंजीयन प्रणाली के बारे में जानेंगे। यहाँ श्रेणी अ ठेकेदार असीमित राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है। श्रेणी ब ठेकेदार ₹10 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है। श्रेणी स ठेकेदार ₹2 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है। श्रेणी द ठेकेदार ₹1 करोड़ राशि तक के निर्माण कार्य कर सकता है। अब बात आती है कि निर्माण ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शुल्क अथवा फीस निर्धारित की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी अ ठेकेदार के लिए ₹50,000, श्रेणी ब ठेकेदार के लिए ₹20,000 तथा श्रेणी स ठेकेदार के लिए ₹10,000 एवं श्रेणी द ठेकेदार के लिए ₹5,000 पंजीकरण शुल्क निर्धारित है, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही इसके लिए आपको लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD में सुरक्षा निधि भी जमा करनी होगी, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बनवानी होगी। श्रेणी अनुसार निर्धारित राशि की FDR बनवाकर आपको कार्यालय में जमा करनी होगी, जो कि इस प्रकार है। श्रेणी अ ठेकेदार के लिए ₹10 लाख की FDR, श्रेणी ब ठेकेदार के लिए ₹5 लाख की FDR तथा श्रेणी स ठेकेदार के लिए ₹2 लाख की FDR एवं श्रेणी द ठेकेदार के लिए ₹1 लाख की FDR जमा करनी होगी, जो कि वापसी योग्य होगी, जिसे पंजीकरण प्राधिकारी के पदनाम से बनवाई जाएगी, अर्थात प्रमुख अभियंता छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के नाम से बनवाई जाएगी। अब प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण विभागों में ठेकेदारी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या अर्हताएँ हो या योग्यताएँ होनी चाहिए, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट या अनुभव होने चाहिए कि हमें उक्त चारों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में रजिस्ट्रेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोग वाकई ठेकेदारी करना चाहते हैं और ठेकेदारी से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस शहर में ठेकेदारी करना चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए आपसे संबंधित टेंडर की जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। सबसे पहले देखते हैं 10 श्रेणी। पहला, पैन नंबर अथवा टेन नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि। दूसरा, टेन नंबर की प्रमाणित प्रति, जो कि अब GST हो गया है।
तीसरा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट, जो कि 5 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाया जाएगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट 3 में दिया गया है, जिसे आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा विद्युत कार्य हेतु लाइसेंस प्रमाणित प्रति के साथ। पांचवा 2 फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जो बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों। छठा फर्म के पंजीयन अथवा पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अब जाकर आप 10 श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अ ब तथा स श्रेणी के लिए क्या क्या आवश्यक है। इन तीनों श्रेणियों में पैन या 10 नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं 10 या GST नंबर की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा शपथ पत्र तो आवश्यक है ही, साथ ही अनुभव की भी आवश्यकता होती है। आइए श्रेणीवार जानते हैं कि किस श्रेणी के लिए क्या अनुभव की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में कम से कम अ श्रेणी के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 करोड़ का कार्य किया हो, ब श्रेणी के लिए 3 वर्षों में 4 करोड़ का कार्य किया हो एवं स श्रेणी के लिए 3 वर्षों में 1 करोड़ का कार्य किया हो। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अनेक्सर इसी PDF में दिया गया है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या इसके समक्ष किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि 10 श्रेणी के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अनेक्सर इसी PDF में दिया गया है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या इसके समकक्ष किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हो, तभी मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट ठेकेदार से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर यहाँ सबमिट कर दें। साथ ही आपका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना भी आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप किसी फर्म का पंजीयन कर रहे हैं तो फर्म का पंजीयन पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी में होना आवश्यक है। यदि आपकी फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, और यदि आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का पंजीयन तथा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा पिछले 3 वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट आदि दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित प्रति होना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के प्रारूप यहाँ दिए गए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF फाइल डाउनलोड करके सभी बातें अच्छी तरह समझकर सारी दस्तावेज तैयार कर लें। सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर उन्हें स्कैन करके फाइल बनवाकर पेन ड्राइव में अपने पास रख लें। आगे की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपको PWD के ऑफिस में जाकर सबसे पहले निर्धारित राशि की फीस जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आप PWD के ही ऑफिस में स्थापित सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी रसीद दिखाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर सुविधा केंद्र पर प्रस्तुत करने के बाद सर्वप्रथम आपका प्राथमिक पंजीयन कर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे एवं आपकी समस्त जानकारी सुविधा केंद्र द्वारा ऑनलाइन फीड की जाएगी। उसके बाद आपके समस्त डॉक्यूमेंट के प्रिंटआउट निकालकर आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी, उसकी सूचना आपको ईमेल तथा SMS के माध्यम से विभाग द्वारा दी जाएगी और आपसे सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए FDR की मांग की जाएगी। जैसे ही आप FDR जमा कर देंगे, आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन की सूचना आपको ईमेल और SMS द्वारा आपके यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। किसी अच्छे से टॉपिक पर एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूँ सलोनी सेठ। थैंक यू।